जेनिफर मिस्त्री ने 15 साल बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने असित मोदी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जब मंदार चंदवादकर ने इनके इस आरोपों के खिलाफ बयानबाजी की तो एक्ट्रेस गुस्सा गई और उन्होंने अच्छे से लताड़ लगाई। जेनिफर मिस्त्री ने कहा है, मुझे पता है कि प्रोडक्शन टीम मेरे फेवर में नहीं बोलेगी, वो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन हाउस का ही सपोर्ट करेगी, लेकिन शो से मेरे बेस्ट फ्रेंड मंदार चंदवादकर ने मुझे निराश कर दिया है। मैं उनके लिए हर साल सोशल मीडिया पर बर्थडे पोस्ट शेयर किया करती थी, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे और अब उन्होंने ये सब कहकर मुझे सरप्राइज कर दिया है कि मुझे नहीं पता है कि जेनिफर ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि सेट का माहौल अच्छा है। जेनिफर ने कहा, पहली बात तो वो खुद आदमी हैं तो वो कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे, वो हर एक बात जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ और उन्हें पता है कि ये सही है, मेरी लाइफ में क्या कुछ हुआ है वो हर एक बात जानते हैं। सोनालिका जोशी, अंबिका राजंकर और मंदार, हम सब क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो मेरे हर एक शब्द को जानते हैं। जेनिफर ने आगे बताया कि मंदार ही पहले आदमी थे जिन्होंने उनको कॉल किया था जब उन्होंने सोहेल रहमानी को अपनी शिकायत भेजी थी। वो बताती हैं, जब मैंने 4 अप्रैल को शिकायत का ड्राफ्ट सोहेल रहमानी को व्हाट्सएप पर भेजा था, तब मंदार ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने सुबह मुझे 6 कॉल्स किए थे और मुझे मैसेज भी भेजा था। जेनिफर ने कहा, उन्होंने कहा था कि उनको सोहेल से पता चला है कि तुम उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करने की प्लानिंग कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने फिर उनसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था। मैंने उनको बोला था कि अगर तुम मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते और सच नहीं बोल सकते तो दूर ही रहो, अगर साथ नहीं दे सकते हो तो झूठ भी मत बोलो, मैं अकेले लड़ने और इस पर अड़िग रहने के लिए तैयार हूँ। जेनिफर ने मंदार के लिए कहा, मैंने उनको साफ साफ बोला था कि मुझे मत रोको जो भी मैं कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे शो के बारे में सोचने के लिए कहा था, तब मैंने उनसे कहा था कि शो की वजह से ही हूँ और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये सम्मान एक तरफ और फैक्ट दूसरी तरफ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं मंदार का नाम लूँ। जेनिफर ने आगे कहा, मैंने बातचीत के दौरान उनसे पूछा था कि क्या उन्हें पता है कि मेरे साथ सिंगापुर में क्या हुआ, उन्होंने फ़ोन पर पूरी बात सुनी थी और हामी भी भरी थी, तब क्यों उसने मेरी बातें सुनी थी, तब इसने क्यों नहीं कहा कि जेनिफर तुम झूठ बोल रही हो, मेरे 2 और साथियों को इस बारे में पता था लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी।